नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द वर्ल्ड्स ओनली ऑटोमोबाइल यूट्यूब चैनल विच इज रिलेटेड टू ओनली वन ब्रांड एंड दैट वन ब्रांड इज फोर्ड, जहां मैं आपका दोस्त कुशल पाल सिंह यादव आप लोगों को फोर्ड की गाड़ी के बारे में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, सटीक इन्फॉर्मेशन हमेशा टाइम टू टाइम और सबसे पहले देने की कोशिश करता रहता हूं। और साथ में मैं आप लोगों को ये भी बताता हूं कि कैसे फोर्ड की गाड़ियां बाकी कंपनियों की गाड़ियों से बेस्ट है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस करना ना भूलिएगा, और मेरे रेगुलर व्यूअर बनने के लिए प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आप लोगों के दिमाग में से मैं एक चीज को क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं कभी भी ये नहीं बोलता कि सिर्फ फोर्ड ही बेस्ट क्वालिटी बेस्ट बिल्ड की गाड़ियां बना रहा है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बोला था जो फ्री स्टाइल के एक्सीडेंट की थी कि ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं जो कि बेस्ट बिल्ड क्वालिटी की गाड़ियां बना रहा है, जिनकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि गाड़ियां बेस्ट बिल्ड क्वालिटी के साथ आप लोगों को कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। बट मैंने यह भी बताया था कि क्यों फोर्ड की गाड़ियां तब भी बाकी कंपनियों की गाड़ियों से बेस्ट है। मेरा सिर्फ और सिर्फ रीजन ये है या मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आप लोगों के माइंड में से इस चीज को क्लियर करना चाहता हूं, इंडियन कस्टमर के माइंड में से इस चीज को क्लियर करना चाहता हूं कि फोर्ड की गाड़ियां वास्तव में आज के टाइम में अफोर्डेबल हैं। जो एक मिसकंसेप्शन है उसे दूर करना चाहता हूं। इस चैनल को बनाने का मेरा कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है, ना मेरा ये चैनल किसी भी पेड लेवल पे है। मैं अभी सिर्फ 8000 सब्सक्राइबर्स के साथ हूं। मेरे से बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनके 8-8, 10-10 लाख, 15-15 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, उनको भी पेमेंट एक यूट्यूब ही पे कर रहा है। कोई कंपनी किसी को भी पे नहीं करती है, किसी भी यूट्यूबर को पे नहीं करती है। आप लोग अपने इस दिमाग में से इस मिसकंसेप्शन को प्लीज निकाल दीजिए। और साथ में जो हमारे देश के ऊपर महामारी आई हुई है COVID-19 कोरोना वायरल डिजीज 2019, इसके बारे में प्लीज सतर्क रहिए। हमारे प्रधानमंत्री आप लोगों को हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि अपने घरों में रहिए, इस वीडियो को देखते रहिए और टाइम पास करिए 21 दिन जितना भी हो सकता है। एक दिन जा चुका है, वी आर ऑन लेफ्ट विद लास्ट 20 डेज ऑफ द लॉकडाउन, तो उसके बारे में ध्यान रखते हुए आप लोगों को इस वीडियो को पूरी तरह से शेयर करना है। मतलब वर्किंग ऑफ एयर बैग्स के बारे में जितने लोगों को बता सके उतने लोगों को शेयर करके ये वीडियो जरूर दिखाइएगा। अगेन मेरी वीडियो लंबी होती है क्योंकि मैं पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज को समझाने की कोशिश करता हूं। बीइंग ए टीचर एक ये आदत हो जाती है कि हम लोग हर एक चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है जिसमें मैं आप लोगों को वर्किंग ऑफ एयर बैग्स के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो ब्लैक बोर्ड के ऊपर। तो आप लोगों को शायद ये जो ब्लैक बोर्ड है, सॉरी ब्लैक बोर्ड नहीं व्हाइट बोर्ड है, उस व्हाइट बोर्ड के ऊपर जितना भी डायग्राम है वो क्लियरली दिख रहा होगा। And this is block diagram of airbag system. मतलब जो airbag system है वो कैसे workout करता है उसका पूरे का पूरा block diagram है। जो लोग reasoning में Venn diagrams को solve करते हैं वो लोग इस चीज को बहुत easily समझ सकते हैं। देखिए हम लोगों को ये पता है जब भी गाड़ी हमारी hit होती है in any crash उसमें जो सबसे पहले workout करने की जरूरत होती है वो होती है हमारे sensor को। मतलब सेंसर सेंस करेगा अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ द डी एक्सेलरेशन विच इज क्रिएटेड ड्यू टू ए क्रैश। एक क्रैश के कारण जो डी एक्सेलरेशन क्रिएट होता है वो सेंसर डिटेक्ट करेगा, और सेंसर डिटेक्ट करने के बाद उस क्रैश की इंफॉर्मेशन को भेजेगा डायग्नोस्टिक सेंटर में। जो डायग्नोस्टिक सेंटर है वो एक्चुअली इस चीज को रिलेट करेगा कि जो क्रैश की स्पीड है क्या वो एक्चुअली एयरबैग्स को डिप्लॉय करने लायक है या वास्तव में हमें एयरबैग डिप्लॉय करने की जरूरत है। अगर वो इस चीज को डिटेक्ट कर लेता है तो वो उस चीज को आगे जो सीट पे वेट लिमिटर होता है उससे डिटेक्ट करेगा कि वास्तव में किस सीट पे कितना वेट है और वहां पे एयरबैग को ओपन करने की जरूरत है कि नहीं है।
इसके डिटेक्शन के बाद जो डायग्नोस्टिक सेंटर है वो कॉइल को इंफॉर्मेशन भेजेगी और कॉइल गैस को जनरेट करवाएगा, मतलब जो गैस जनरेटर है उसको इंफॉर्मेशन भेजेगा कि आप लोगों को अब अपनी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करनी है। मतलब इस गैस जनरेटर से, ये गैस जनरेटर जो बेसिकली N2 मतलब नाइट्रोजन गैस के कारण, मतलब नाइट्रोजन गैस को एक्चुअली प्रोड्यूस करवाता है, दैट इज अ रिएक्शन बिटवीन सोडियम एजाइड एंड हीट, उसके बारे में आप लोगों को थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। जो गैस जनरेटर है वो नाइट्रोजन गैस को प्रोड्यूस कराता है, बट आज के टाइम पे आर्गन इज ऑल्सो बींग यूज एज ए गैस टू इन्फ्लेट एयर बैग्स, और ये गैस जनरेटर एयर बैग्स के अंदर उस एयर को फिल कर देता है। नाउ दिस एयर बैग नाउडेज इज कॉमनली मेड अप ऑफ नायलॉन, कॉमनली नायलॉन से बना हुआ होता है और इसके अंदर गैस फिल होती है। अब ये जो एयर बैग है, दिस ओपन्स अप विद स्पीड ऑफ 322 किलोमीटर पर आवर स्पीड, 322 kmph की स्पीड के साथ ये एयरबैग ओपन होता है। अब अगर आप लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ा हुआ हो, जो कि हम लोग 9th क्लास की फिजिक्स से पढ़ना शुरू कर देते हैं, आप लोगों को पता है कि व्हेन अ बॉडी इज इन रेस्ट बट इट इज मूविंग, मतलब हम लोग कार में है, हमारी बॉडी मूव कर रही है बट एक्चुअली वी आर नॉट मूविंग, हम लोग रेस्ट पे, हमारी कार मूव कर रही है, देन वी ऑल्सो डेवलप ए मोमेंटम, हम लोग मोमेंटम को डेवलप करते हैं। एंड मोमेंटम का आपको फार्मूला पता होगा, मास इनटू वेलोसिटी, मतलब आपके मास और आप किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का मोमेंटम जनरेट होता है। इस मोमेंटम के कारण आप लोगों की बॉडी, अगर सडनली आप लोग चलती हुई बस पे से उतरते हैं तो आप लोग आगे की तरफ फॉल होते हैं, चलती हुई बस या चलती हुई गाड़ी में सडनली ब्रेक लगते हैं तो आप आगे की तरफ गिरते हैं। These are common instances जो हम लोग क्या करते हैं, फील करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। अब इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूं, जो एयरबैग्स हैं, दे आर कॉमनली कॉल्ड एज SRS, मतलब दीज आर सेकेंडरी रिस्ट्रेन सिस्टम, आप लोगों को जो स्ट्रेन होने वाला है उससे बचाने के लिए एयरबैग्स आर सेकेंडरी रिस्ट्रेन सिस्टम। ये तो सेकेंडरी है, तो प्राइमरी क्या है? प्राइमरी आर योर सीट बेल्ट्स, PRS होते हैं, प्राइमरी रिस्ट्रेन सिस्टम, मतलब आप लोगों को आगे जाने से, 9th क्लास में हम लोग फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में जो मोशन का चैप्टर है उसमें हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, और आप लोग उस चीज को प्लीज ध्यान दीजिए, हम लोग उसमें बहुत क्लियरली बोलते हैं, जो सीट बेल्ट्स होती है वो एक आदमी को आगे जाने से रोकती है। अब आप लोग ये सोचिए, अगर आप लोगों ने सीट बेल्ट नहीं पहनी है और एयरबैग डिप्लॉय होते हैं तो दिस स्पीड कैन बी फैटल, ये स्पीड आप लोगों के लिए फैटल हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि बिना सीट बेल्ट लगाए हुए एयरबैग डिप्लॉय हो गया और उसके कारण भी डेथ हुई है एक्सीडेंट्स में, बच्चों की, बड़ों की, बुजुर्ग की, बहुत केसेस ऐसे हैं जहां पे बिना सीट बेल्ट लगाए लोगों को इस स्पीड पे 322 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जब एयरबैग आके फेस पे लगता है या फिर चश्मा पहना हुआ है तो उस केस में भी लोगों की डेथ हो जाती है। तो सीट बेल्ट की आप लोगों को इंपॉर्टेंस यहां पे समझ में आ गई होगी कि हमें सीट बेल्ट क्यों लगानी चाहिए, ताकि हम लोग आगे अचानक से ना गिरे। अगर हम लोग अचानक से नहीं जाएंगे तो जो हमारी ये फेस का पार्ट है और ये जो पार्ट है, इस पूरे पार्ट को एयरबैग कवर करता है। आप लोगों को पता हो कि जो हमारी लास्ट 3 रिब्स होती हैं, दे आर नोन एज फ्लोटिंग रिब्स। अब हम लोग फिजिक्स से हटके थोड़ा सा बायोलॉजी के ऊपर आ जाते हैं, फिर मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पे लेके जाऊंगा जहां पर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि ये रिएक्शन एयरबैग्स के अंदर होती क्या है। फिजिक्स मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी, बायोलॉजी में आप लोगों को थोड़ी ध्यान दिला देता हूं कि हमारी ये जो रिब्स होती है, नीचे वाली 3 रिब्स, दे आर नोन एज फ्लोटिंग रिब्स, और फ्लोटिंग रिब्स पे
अगर फ्रैक्चर हो जाए तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू हील बैक. आप लोगों को उस फ्रैक्चर को कंस्ट्रेन करने में या फिर दोबारा रीगेन करने में काफी प्रॉब्लम होती है, बिकॉज यहाँ पे किसी भी टाइप का हम लोग प्लास्टर या जो पीओपी होती है उसके थ्रू हम लोग प्लास्टर नहीं कर सकते. दैट इज द मेन रीजन कि जो स्टेयरिंग व्हील है जब आप लोग जाते हैं तो वो सीधा फ्लोटिंग रिब्स पे आके लगता है या आपके माउथ फेस पे लग सकता है. मतलब आसपास का ये जो जितना अबाउ एब्डोमिनल एरिया, जितना भी एब्डोमिन के ऊपर का एरिया है, दिस इज वेरी डेलिकेट इन केस ऑफ एक्सीडेंट. आप लोगों को जो ये बैकबोन है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, यहां पे भी गर्दन के ऊपर अचानक से झटका ना आए इसके लिए भी सीट बेल्ट आप लोगों को लगाना बहुत ज्यादा कंपलसरी हो जाता है. और ये हर एक गाड़ी की मैनुअल में लिखा हुआ होता है. मैनुअल के भी बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. मैनुअल में मैं आप लोगों को लिखा हुआ दिखाऊंगा कि सीट बेल्ट पहननी चाहिए. तो आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया. अपनी रिब्स को बचाइए, अपनी चेस्ट को बचाइए, अपने फेस को बचाइए. न्यूटन्स लॉ के मोशंस को, मोमेंटम को कंट्रोल कीजिए. कौन करेगा? सीट बेल्ट करेगा. फिजिक्स एंड बायोलॉजी कंबाइन करके आप लोगों को बचाने के लिए एसआरएस सिस्टम दिया जाता है, दैट इज सेकेंडरी रेजिस्टेंस सिस्टम, और पीआरएस प्राइमरी रेजिस्टेंस सिस्टम आप लोगों की सीट बेल्ट होती है जो आप लोगों को बचाती है. यहां तक अगर आप लोगों को डाउट क्लियर हो चुका है तो अब हम लोग आगे चलेंगे. दैट इज रिलेटेड टू द केमिस्ट्री, मतलब क्या रिएक्शन होती है इस एयर बैग के अंदर सोडियम एजाइड की. सोडियम एजाइड की एक रिएक्शन नहीं, टोटल तीन रिएक्शन होती है. और उस केस में एक पाउडर बाहर निकलता है जिससे हम लोग स्मोकी स्मेल बाहर निकलती है कई बार एक्सीडेंट्स में, जिससे हम लोगों को डर लगता है. उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि उससे हमें नहीं डरना चाहिए. तो चलिए अब केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग. अगर आप लोग केमिस्ट्री ऑफ एयर बैग्स के बारे में ध्यान दें तो जो रिएक्शन नंबर वन है वो 12th क्लास की केमिस्ट्री में आ जाती है. 12th क्लास की केमिस्ट्री को आप लोग ओपन करेंगे तो आप लोग रिएक्शन वन को देख पाएंगे. हालांकि मैं आप लोग को तीन रिएक्शन बता रहा हूं जो कि पूरी की पूरी हमारे एयर बैग को डिप्लॉय करने में हेल्प आउट करती है. रिएक्शन वन, दैट इज Na3, सोडियम एजाइड को जैसे ही हीट मिलती है तो इट अंडरगोज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है टू फॉर्म सोडियम एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, सॉरी नाइट्रोजन. नाउ दिस नाइट्रोजन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फिलिंग द एयर बैग. यही नाइट्रोजन एयर बैग्स के अंदर फिल होती है. रिएक्शन नंबर टू में जो सोडियम यहां पर हम लोग को ऑब्टेन हुआ, दिस रिएक्ट्स विद KNO3 टू फॉर्म K2O, 5Na2O एंड नाइट्रोजन गैस. अगेन नाइट्रोजन गैस और एयर बैग के अंदर डेवलप हो जाती है. इसके बाद पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, SiO2 के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म ग्लास. और ये एक्चुअली ग्लास वो नहीं होता, वो कांच नहीं होता जिसको आप लोग सोच रहे हैं. ये एक पाउडर्ड फॉर्म होता है. कॉमनली जो पहले एयरबैग्स की हिस्ट्री थी उसमें हम लोग टेलकम पाउडर को यूज करते थे जो एक हार्मलेस पाउडर था. हालांकि ये जो ग्लास फॉर्म होता है Na2K2SiO4, ये भी हार्मलेस होता है, किसी भी तरीके का नुकसान नहीं करता. ये पाउडर एक्चुअली रिक्वायर्ड होता था टू जनरेट ए फ्रिक्शनलेस ओपनिंग ऑफ द एयरबैग. कवर ब्रेक होके जब एयरबैग निकलेगा तो फ्रिक्शनलेस हो, एयरबैग फट ना जाए आप लोगों को प्रोटेक्शन देने से पहले ही, उसके लिए हम लोग पाउडर को यूज करते थे. और आज के टाइम पे हम लोगों ने थर्ड रिएक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया एज ए ओवर प्रोटेक्शन, मतलब हमने और एडिशनल प्रोटेक्शन ऐड करने के लिए हम लोगों ने ये रिएक्शन कंपाइल कर दी है हमारी सोडियम एजाइड की रिएक्शन के साथ. मतलब टेलकम पाउडर या जो पाउडर छोटा मोटा बाहर आ रहा है, स्मोकी स्मेल जो हल्की फुल्की बाहर आ रही है, उससे डरने की जरूरत नहीं है एयरबैग डिप्लॉय होने के बाद. एयरबैग जैसे ही डिप्लॉय हो गए हैं उनको डिस्पोज करने के लिए भी आप लोगों को प्रॉपर जो एक डिस्पोजल जिनको अथॉरिटी दी गई है उन्हीं के पास, मतलब आप लोग लेके तो शोरूम में ही जाते हैं बट वहां पे भी प्रॉपर डिस्पोजल एयरबैग्स का होना चाहिए. एयरबैग्स कैन नॉट बी रीयूज्ड, ये एक कॉमन पॉइंट है, सबको पता है. तो हम लोग एयरबैग तो रीयूज नहीं कर सकते, हम लोग को इनको प्रॉपरली रीपैक करवाना होता है. न्यू यूनिट्स आती है और वो न्यू यूनिट्स आप लोगों की गाड़ी में दोबारा इंस्टॉल की जाती है. अब जो मेरा नेक्स्ट जो पार्ट होने वाला है इस वीडियो का, उसमें मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि कहां कहां पे ये
एयरबैग्स इंस्टॉल होते हैं, और क्या वास्तव में सर्किट से ये कनेक्टेड होता है? वास्तव में मतलब आप लोग ये सोचिएगा कि क्या सीट बेल्ट से कोई सर्किट है? हम लोग पहले इस चीज को मिस कर देते थे कि वास्तव में सीट बेल्ट से कोई सर्किट नहीं है, बट मैं आप लोगों को बता देता हूं कि सीट बेल्ट में भी सर्किट्स होते हैं, सेंसर्स होते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को दे दूं कि आज के टाइम पे सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ड्राइवर एंड पैसेंजर कंपलसरी हो गया है सभी गाड़ियों में, और उसमें अगर आप लोगों ने सीट बेल्ट नहीं लगाई है तो चाइम आती है, मतलब एक ट्यून बजती है टन 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 करके, जिसके कारण आप लोगों को माइंड में यह ध्यान आ जाता है कि आप लोगों को सीट बेल्ट लगानी है। सीट बेल्ट लगाते हुए चाइम बंद हो जाता है, मतलब क्या है? इट इज ऑब्वियसली एन इलेक्ट्रिकल सर्किट विच इज वर्किंग देयर। जब उस छोटे से ब्लॉक में इलेक्ट्रिकल सर्किट चाइम को बंद करने का हो सकता है, तो आप लोग ये कैसे सोच सकते हैं कि वहां पे कोई सेंसर नहीं है जो कि सीट बेल्ट से भी कनेक्टेड है? मैं आप लोगों को फोर्ड फिगो और एस्पायर का एक पार्ट, एक पिक्चर दिखाने वाला हूं, जिसे पूरा उन लोगों ने पार्ट बताया हुआ है कि यहां पे कहां कहां पे आप लोगों के पास सीट्स में या कहां कहां पे सेंसर्स अवेलेबल हैं और कहां कहां पे हम लोगों को एयरबैग्स रखे हुए मिलते हैं, मतलब सीट में कहां कहां पे एयरबैग्स की पोजीशन होती है, कहां कहां पे पैसेंजर की, ड्राइवर की, साइड एंड कर्टन एयरबैग्स की कहां कहां पे पोजीशन होती है, सब कुछ उसमें डायग्राम में प्रॉपरली एक्सप्लेन है और पूरे का पूरा सर्किट बनाया हुआ है। सर्किट से आप लोग ये देख सकते हैं कि वहां पे कैसे सीट बेल्ट्स एयरबैग डिप्लॉय करने में मदद करती है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग हमारे सर्किट को। यहां तक आप लोगों की ऑन बोर्ड क्लास आज के लिए खत्म हो चुकी है। अगर आप लोग अब इस डायग्राम को क्लियरली देखें तो इस डायग्राम में ड्राइवर एयरबैग से शुरू करते हैं। आप लोग सबसे ऊपर जो स्टेयरिंग है उसमें देख सकते हैं कि ड्राइवर एयरबैग है। ड्राइवर एयरबैग के जस्ट बगल में SRS इंडिकेटर है, और SRS इंडिकेटर के बगल में आप लोगों का पैसेंजर एयरबैग, फ्रंट पैसेंजर एयरबैग आ जाता है, और विच इज गोल्ड प्लेटेड इलेक्ट्रिकल कनेक्टर, उसके नीचे आप लोगों को गोल्ड प्लेटेड इलेक्ट्रिकल कनेक्टर मिलता है, और वहीं से सर्किट कंप्लीट होते हुए आप लोगों का आता है SRS यूनिट पे, विच इंक्लूड्स जी सेंसर ऑल्सो। अब ये सारी चीजें जो फ्रंट वाली है ये कनेक्टेड है आप लोगों की सेंसर से, जो सेंसर हर एक गाड़ी में इक्विप्ड होता है। अब ये जो सेंसर है ये आप लोगों का पीछे कनेक्ट हो जाता है अंडर डैश फ्यूज रिले बॉक्स से। यहां पे आप लोगों का जो सर्किट है वो यहां तक जॉइंट है, पूरे का पूरा SRS इंडिकेटर, फ्रंट पैसेंजर एयरबैग, ड्राइवर एयरबैग, SRS यूनिट से और सेंसर से। इसके बाद अब ये जो रिले है, केबल यूनिट है, ये पीछे जाती है, और आप लोग देखिए कि जो फ्रंट सीट बेल्ट टेंशनर है उसके साथ ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कनेक्टेड हैं, जो साइड इंपैक्ट सेंसर है वो भी आप लोगों के उसी जो कनेक्शन है उसमें कनेक्टेड है। इसके बाद आप लोगों के सीट में जो साइड एयरबैग है, फ्रंट सीट में आप लोगों को साइड एयरबैग क्लियरली दिख रहा है, आप लोगों को सीट बेल्ट लगाई हुई दिखाई गई है, और पीछे फिर आप लोगों को साइड कर्टन एयरबैग जो ऊपर की तरफ दिया हुआ है, और साइड इंपैक्ट सेंसर। अब आप लोग देख लीजिए, मतलब सीट में आप लोगों को साइड एयरबैग दिया हुआ है और साइड एंड कर्टन एयरबैग्स ऊपर दिए हुए हैं, और उनका सेंसर आप लोगों को नीचे दिया हुआ है, मतलब जो साइड एंड कर्टन एयरबैग्स का सेंसर है वो आप लोगों को नीचे दिया हुआ है। अब ये सारी कहानी आप लोगों को ये समझा देती है कि जो सीट बेल्ट है वो सर्किट को कंप्लीट कर रही है। मतलब अगर आप लोग सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो सर्किट कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट रह जाता है, और उसके कारण कई बार होता है कि ये एयरबैग्स ओपन ना हो। इस डायग्राम को एक्सप्लेन करने के बाद अब मैं आप लोगों को कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में बता देता हूं। ये मेरी एस्पायर की मैनुअल है, मैं आप लोगों को इसमें क्लियरली दिखा देता हूं कि सप्लीमेंट्री सेकेंडरी सिस्टम, जिसको मैंने सेकेंडरी सप्लीमेंट्री सिस्टम भी अपनी वीडियो में पहले में बोला था, उसके बारे में सब कुछ दिया हुआ है। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन पेज नंबर 25 पे हम लोग इसके ऊपर चलते हैं डायरेक्ट, और देखते हैं कि इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशंस इन सप्लीमेंट्री रिस्ट्रेंट सिस्टम, अगर आप लोग इसको फोकस करें तो आप लोग क्लियरली दिख जाएगा। मैं अब इस पॉइंट को बहुत क्लियरली रीड आउट करता हूं। द एयर बैग्स आर ए सप्लीमेंट्री रिस्ट्रेंट सिस्टम एंड आर डिजाइन टू वर्क विद द सेफ्टी बेल्ट टू हेल्प प्रोटेक्ट द ड्राइवर एंड फ्रंट पैसेंजर
फ्रॉम सर्टेन बॉडी अपर बॉडी इंजरीज एयरबैग्स डू नॉट इन्फ्लेट स्लोली देयर इज रिस्क ऑफ इंजरी फ्रॉम इट डिप्लॉइंग बैग. इसलिए हम लोगों को हमेशा सीट बेल्ट लगाना जरूरी है. मतलब सीट बेल्ट यहां पे क्लियरली बोला है दे आर डिजाइन टू वर्क विद द सेफ्टी बेल्ट टू हेल्प प्रोटेक्ट द ड्राइवर एंड फ्रंट पैसेंजर फ्रॉम सर्टेन अपर बॉडी इंजरीज. यहां पे पॉइंट बहुत क्लियर है कि सीट बेल्ट पहननी चाहिए. नोट को अगर आप लोग ध्यान से पढ़े यू विल हियर ए लाउड बैंग एंड सी ए क्लाउड ऑफ हैमलेस पाउडर रेसिड्यू इफ एन एयरबैग डिप्लॉयज विच इज नॉर्मल. तो आप लोगों को इससे नहीं डरना है. देखिए यहां तक जितनी भी वीडियो थी मैं उसमें आप लोगों को सारे पॉइंट्स क्लियर कर चुका हूं और मैंने आप लोगों को सर्किट डायग्राम के थ्रू जो एक इमेज में क्लियरली बता रहा है कि सीट बेल्ट लगाना जरूरी है. यूजर मैनुअल में मैंने आप लोगों को पढ़वा दिया कि सीट बेल्ट लगाना जरूरी है और साथ में मैंने पूरे वैन डायग्राम के थ्रू ब्लॉक डायग्राम के थ्रू आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि वेट लिमिटर है वो नेसेसरी है. मतलब वैन डायग्राम में इंक्लूडेड है वेट लिमिटर और वेट लिमिटर सीट बेल्ट में होता है या फिर सीट में होता है. तो वहां से आप लोगों को ये समझ आ जाना कि कवर जब ब्रेक होगा तो एयरबैग निकलेगा और उस वेट लिमिटर पे सेंस होना जरूरी है जो कि सीट बेल्ट से कनेक्टेड हो सकता है. ऐसे बहुत सारे सेंसर्स अलग अलग जगह पे हैं. अब कई एक्सीडेंट्स में ऐसा होता है कि आप लोगों ने सीट बेल्ट पहनी हुई है और तब भी एयरबैग डिप्लॉय नहीं होते. देयर कैन बी वेरियस रीजंस फॉर ए एक्सीडेंट इन विच एयरबैग्स डिडंट डिप्लॉय. मैं कल एक और वीडियो ऐसी ही डालूंगा जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एयरबैग डिप्लॉय ना होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं. अगर आप लोगों को ये वर्किंग ऑफ एयरबैग्स की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक या डिसलाइक करके जरूर बताइएगा और साथ में आप लोग इस वीडियो में और क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं, मेरे कंटेंट में और क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा. मैं आप लोगों को स्पेशल पाल सिंह यादव आप लोगों को गाड़ियों के बारे में सिर्फ और सिर्फ फोर्ड की गाड़ियों के बारे में हमेशा बताता रहता हूं कि फोर्ड की गाड़ियां क्यों हमारे लिए बेहतर है. अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं और आप लोगों ने पूरी वीडियो को देखने के बाद अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल और मेरे रेगुलर व्यूअर बनने के लिए प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. इस वीडियो को एंड करते हुए मैं एक नॉर्मल मैसेज सेफ्टी मैसेज जो हमेशा देता हूं वो सुनते जाइएगा कि अगर आप लोग गाड़ी चला रहे हैं तो सीट बेल्ट पहनिए, अगर आप लोग बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट पहनिए. हमेशा याद रखिए कि आप लोगों का कोई यारा कोई प्यारा आप लोगों का घर पे इंतजार कर रहा है. इसी के साथ आपका दोस्त कुशल पाल सिंह यादव साइनिंग ऑफ फॉर टुडे. जय हिंद जय भारत.